आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अहम बैठक की थी। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने कहा, हम लोकसभा चुनाव में हिस्ट्री दोहराएंगे, मिशन 2024 को लेकर मायावती ने टारगेट तय किया। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने मिशन 2024 का टारगेट तय करते हुए लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, अगले 90 दिन में 1 करोड़ बसपा के नए एक्टिव मेंबर बनाने के लिए कहा है। ये वोटर नहीं बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता होंगे। मायावती ने आगे कहा कि हाल में हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कहा और हमें लोकसभा चुनाव में हिस्ट्री दोहरानी है, ऐसा मायावती ने कहते हुए गुरुवार को पार्टी कार्यालय में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई और वहीं बैठक में सभी 18 मंडल के बसपा पदाधिकारी मौजूद रहे। चर्चा में हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 29% वोट से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। सपा के गढ़ में ये बड़ा प्रदर्शन रहा है। मायावती ने कहा, ये नतीजे कार्यकर्ताओं में नई एनर्जी देने वाले हैं। वहीं मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है, मुस्लिम नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी।